मेरे को ना सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मौसी वगैरह जो है ना सब खुश होंगे गए आराम से। और मैं हेलो दोस्तों, स्वागत है और स्वागत है, मैं आप सबको राम राम। और आई होप आप लोग घर में मस्त होंगे और भले चंगे होंगे। मैं भी अपने घर में मस्त हूँ और भला चंगा हूँ। और भाई फाइनली हमारी टीम जो है वो जीत चुकी है मैच, तो हम उस टीम में रहे हैं विनर। और फाइनल में हमारी दो टीम पहुंची थी जिसमें से फाइनल वाला मैच हम जीत के विनर बन चुके हैं। आज है तारीख 26 और कल आई थी भाई 25 को मौसी, और मौसी अब गई है थोड़ी देर पहले ही 26 को 6 बजे करीबन। और अभी टाइम हो रहा है 7:30। और भाई कल मैं उठा 5:30 बजे और जैसे ही उठा फिर मैं लग गया अपने काम में, चलाए डेक पर गाने धूम एकदम तेज और मैं लग गया अपने काम में। सब काम मैंने सब चीज़ साफ कर दी, पूरा घर साफ कर दिया। फिर यार एक चीज़ रह गई, ये छत रह गई। फिर छत मैंने करी है कल रात 1 बजे करीबन साफ, रात में तो साफ करी। फिर मैंने थोड़ी तो गंदी लग रही थी भाई, बहुत ज़्यादा गंदी। अब सुबह सुबह यहाँ पे आराम से मैं बैठ पाया हूँ, नहीं तो यहाँ से मेरे पूरे में गंदगी गंदगी कर दी थी। तो मौसी आई थी, मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि भाई सब थके हुए थे, मैं क्या कैमरा लेकर सबको परेशान करता, इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। पर हाँ भाई मम्मी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बाहर से किसी चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ी। और भाई जैसे हम डॉग लवर हैं ऐसे ही उनमें क्या कहते हैं वो भी डॉग लवर है, तो नीचे में पिल्लू है ना, तो मौसी की बेटी है खुशी भाई, वो उनके संग इतना खेली। और वो कह रही मैं घर ले जाऊंगी, पर घर क्या कहते हैं लेके जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास भी एक डॉग है रैम्बो, सही वाला नाम बोला है, वैसे मैं ओरियो बोलता हूँ, रैम्बो नाम है उसका। और मौसी के पास जो है क्या कहते हैं वो रैम्बो है, चक्कर में वो डॉगी को लेके नहीं गई पूर भाई। एंड जब जा रही थी ना तब रोई थी, पिल्लू का चक्कर है एक पिल्लू रख के लेके जाऊंगी। सूरत दादा भी अब निकल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ अपने फाइनल वाले मैच की वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि भाई मेरे देखो यूट्यूब पर कमेंट आ रहे हैं कि साहिल भाई ब्लॉग कब डालोगे, साहिल भाई क्रिकेट का ब्लॉग कब डालोगे। तो मैं इसलिए जो है अपनी एडिटिंग करने के लिए बैठ रहा हूँ, 3-4 घंटे बाद मम्मी जो है घर पे आ जाएंगी। और देखो मैंने जो है यहाँ पे सो रही ठंडे में, भाई सिम्मी ने भी ज्यादा दिक्कत नहीं करी, सिम्मी भी मौसी के संग और मौसी की लड़की के संग और नैना और रिया दीदी के संग, रिया मौसी के संग फ्रेंडली हो गई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है सिम्मी तुम्हारी, शाबाश तुमने उनसे कुछ नहीं कही। भाई सिम्मी ने बिल्कुल परेशान नहीं करा मुझे, तो थैंक यू जी, तूने परेशान नहीं करा जी, नहीं तो मैं तो इसको रैप्टा मार के चुप करा देता जी, क्या फिर मैं काट लेता तेरे को, सॉरी जी। भाई हमारी सिम्मी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हर किसी के संग फ्रेंडली होती है, मौसी के संग फ्रेंडली हो गई, सब रात में आराम से खेल के सोए सिम्मी के साथ। जैसे हमारी सिम्मी फ्रेंडली है ना, ऐसे मौसी का जो रैम्बो है वो फ्रेंडली नहीं है, रैम्बो डॉग जो है उनका वो फ्रेंडली नहीं है। मैंने उसको भाई चॉकलेट दी ना, वो चॉकलेट से माना, मतलब मैंने उसको रिश्वत दी कि हम ऐसे दोस्ती कर ले ना, उसने मुझसे दोस्ती करी। और मैं जैसे बगल में बैठ जाता ना घुर्रा रहा, मुझे डर लग रहा उससे। फिर ना बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि मैं उसको ऐसे करके टच करूँ, पर जैसे ही उसकी गर्दन घुस जाती मैं टच कर लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो गुदगुदा एकदम रूही के जैसा है ना जुई। क्या मैं सो रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब मत कर, ओके जुई। वो एक बात अच्छी लगी मुझे कि नाना जो जहाँ कहते ना वहीं बैठ जाता, तो भाई जैसे कि सिम्मी जो है मम्मी की बात मानती है ऐसे रैम्बो नाना की बात मानना था। थोड़ी बहुत देर यहाँ पे बैठता हूँ, फिर उसके बाद जो है घर को साफ करूंगा, ज्यादा साफ करना नहीं है, खाली झाड़ू झाड़ू मारनी है और नीचे खाली वाइपर मारना, पानी फैला हुआ थोड़ा बहुत। तो अभी तो बैठ के जो है थोड़ी बहुत देर टीवी देख रहा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी मैं देने जा रहा हूँ पिल्लू को दूध, पिल्लू को नहीं बाहर डायमंड और शेरू को दूध। पिल्लू को तो मैंने ब्रेड दे दिए, तो वो तो अपना ब्रेड खा ली उनने सबने आराम से, अब बस पिल्लू को दूध देने आ रहा हूँ। पिल्लू कह रहा हूँ यार बार बार बाहर के डॉग को दूध देने आ रहा हूँ, क्योंकि भाई दूध ना बहुत हो गया है, तो इस वजह से मैं सोचा कि शेरू वगैरह को भी दूध डाल दूँ, उनका भी पेट बढ़ जाएगा दूध पीकर। पिल्लू को दूध तो दे दिया है, थोड़ा सा और ले लो डायमंड भाई, तुम आराम से पियो पूरा, क्या कल भी दिया था तूने उसके लिए, थैंक यू, ओके। और भाई साइकिल वगैरह को थोड़ा सा साइड से करके यहाँ साफ कर रहा हूँ क्योंकि गंदा कर दिया है, और अंदर तो झाड़ू मार दूंगा। वो थोड़ी बहुत ना खुशी ना खिलौने दिए थे मैंने उसके लिए, तो वो ऐसे गिर गए जमीन पे क्योंकि इन पिल्लुओं ने गिरा दिए, तो वो हटा के साफ करने और झाड़ू मार दूंगा। थोड़ी बहुत देर मम्मी जो आने वाली होंगी, आधा 1 घंटा या 3 घंटे के बाद तो आ ही जाएंगी। और नीचे का तो साफ कराया और बाहर डॉगी को दूध भी पिला दिया, पर भाई अभी बहुत सारा दूध रखा है तो उसको उबाल रहा हूँ, तो सामने की तरफ रखा है 2 लीटर तो, और 1 लीटर या आधा लीटर इसमें है, ये सब उबाल रहा हूँ एक साथ। देखो ये भी है, तो पहले इन ये दोनों उबल जाएंगे, तो इसमें से याला ये इसका दूध जो दूसरे इस कटोरे में करूंगा, फिर इसको धोऊंगा, फिर याला वो दूध उबालूंगा, क्योंकि इसमें उबालूंगा ना इसमें तो तुरंत ही निकल जाएगा। जो है थोड़ी सी चाय मेरे लिए बना के रख गई है, तो इसको मैं बाद में गर्म करके पीऊंगा और इसको धोने के लिए रखूँ। भाई मम्मी भी चौंक जाएंगी, मैंने घर इतना साफ कर दिया, देखना किचन की स्लेप देख लो कहीं पे पूरे में गंदगी कहीं नहीं है, ये तो खाली कटोरा ऐसे रखा है ना, गैस गंदी रात ना मैं जो है बात करने बैठ गया था मौसी वगैरह से, तो ये दूध निकल गया, तो कोई बात नहीं अभी मैं इसको साफ कर दूंगा। कोई बाकी हो तो पूरा सब कुछ साफ है, पूरा घर साफ है। भाई बारिश हुई थी तो अभी इतनी गर्मी हो रही है,
बहुत ही ज्यादा। और अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ, अब नहाऊंगा, धूप और निकलना स्टार्ट होगी तेज वाली। दूध उबालने के बाद भाई मैं तो थक गया था, तो मैं सो गया थोड़ा बहुत घर साफ करने के बाद, और अभी उठाऊँ 5:30 बजे, और जब सोया था तब तो बहुत ही धूप निकल रही थी। और अब का मौसम देखो भाई, बारिश वाला मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदे भी कर रही है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। मैं सोचा ऊपर आके बैठा जाए, अपनी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। वाली वीडियो है, क्या कहते हैं, APL जो है, APL U-40 फाइनल में जो कि हम जीते थे, हमारी टीम MK वॉरियर्स जीती थी। और मौसी जो है वो भी पहुंच चुकी है दिल्ली, मैंने उन पर मैसेज करके पूछा था कि मौसी आप पहुंच गई हैं, तो मौसी ने बोला कि हाँ हम पहुंच चुके हैं। और मम्मी जो है ना के रास्ते में से खाटू शाम निकल गई है, मम्मी जो है मौसी की वजह से जल्दी आ रही थी, अब मौसी जा चुकी है। मैंने मम्मी को कॉल करा कि मौसी मम्मी चली गई हैं, तो मम्मी को फिर मम्मी ने वहाँ पर डिसाइड हो गया आपस में सब फैमिली में कि खाटू शाम होते हुए चल रहे हैं, तो सब खाटू शाम होते हुए चले गए। अगर मौसी घर पर होती तो मम्मी अभी तक आ जाती, आएंगी कल शाम को, क्योंकि खाटू शाम के दर्शन करने के बाद मम्मी कहीं और भी जाएंगी, तो वहाँ से दर्शन करके तब घर पर आएंगी। ना जाने का एक फायदा और रहा, मौसी भी आराम से मतलब घर पर आकर रुक गई, और भाई देखो मेरी टीम जीत गई। मैंने मतलब बताऊँ तो मैं पहले मैच खेलते टाइम ना डरता था कि मैं आउट ना हो जाऊँ, तो मैं इस वही मैच खेला ना, तो इससे मेरा डर भी हट गया कि आउट ना हो, पिच पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, खाली कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब मैं इस बॉलों को फेस कर सकता हूँ। खाली मीडियम पेसर को फेस करने में ना थोड़ा सा डर लगता है, पर उसको भी अब मैं धीरे धीरे करके जो है सर से पूछूंगा कि सर डर लग रहा है कैसे प्रैक्टिस करूँ, ऐसे ऐसे सर बताएंगे। और भैया जो हैं अंकुश भैया, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेट मतलब बैट्समैन है, तो उनसे ही पूछूंगा कि भैया तुम कैसे फेस करते हो इन सब चीज़ों को, ऐसे ही मैं फेस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मीडियम पेसर में पता नहीं यार क्या सीन हो जाता है मेरा। स्पिनर वगैरह आया उनको तो अच्छे तरीके से खेल पाता हूँ, हाँ स्पिनर और यॉर्कर खेल लेता हूँ अच्छी खासी, बस उसी में दिक्कत है मीडियम पेसर में। और ये बाकी के जो मेरे जो है टीममेट थे वो मुझसे ये कह रहे थे, अरे मीडियम पेसर में तो तू टच कर देगा तभी छक्का जाएगा, अब मैं टच ही नहीं कर पा रहा। एक टच करी थी उसमें कैच आउट होने से बच गया, क्योंकि जो है बाउंड्री से थोड़ी पहले गिर गई बॉल, प्लेयर वहाँ पे था नहीं, कैच हो ही नहीं पाया। और मेरे को ना सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मौसी वगैरह जो है ना सब खुश होके गए आराम से, और मैं और मेरी चुई जो है अभी हम छत पे बैठे हुए हैं, अब बारिश भी आ गई है, तो हम नीचे आऊँगा थोड़ी देर में, नहीं तुरंत ही जा रहा हूँ। हाँ चुई नीचे चलो, जी हालिस आ गई क्या बारिश? यस चुई आ जाओ चलो जल्दी आया। चुई नीचे बैठी, नीचे क्या नीचे? हाँ और किचन में जो है ना थोड़े बहुत बर्तन है, तो थोड़ी देर बाद वो धोऊंगा, ज्यादा नहीं है, एक आध ग्लास है वो धो दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो की वाली की एडिटिंग कर लूँ, बैठ के नहीं गेट। वीडियो की एडिटिंग खत्म करने के बाद मैं देने आया था पिल्लू को ब्रेड और पनीर, और भाई मैंने रखा तो खाना कटोरे में था, पर इन सब ने फैला फैला के देखो ऐसे खा रहे हैं, अकल नहीं आएगी तुम में इंचम, क्या हम फोरों के फोरों में? यस इंचम। पिल्लू को खाना दे ही रहा था, इतने में जो है दूध वाले भैया आ गए, तुमने दूध भी ले आए, तो दूध को उबालने के लिए रखता हूँ, और मैं ले आया था सिम्मी का पनीर, तो दूध वाले क्या सिम्मी को खाना भी देना है। नहाया नहीं, अभी टाइम हो रहा भाई 8:30 बज रहे हैं, और मैं नहाया ही नहीं क्योंकि कल नहाऊंगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था नहाने के लिए, और मेरे पसीने भी आ रहे थे, तो भैया सर्द गर्म कहते हैं क्या कहते हैं वो बन सकती है। तो भाई दूध उबालने से पहले ना मुझे भवना साफ करना पड़ेगा, क्योंकि भवना वगैरह सब गंदे हो रहे हैं, 6 बर्तन और एक भवना पड़ा है, तो वो साफ करने पड़ेंगे, तब जाके दूध उबालूंगा, तो फटाफट जो है साफ करता हूँ। भाई पूरी किचन तो साफ है, खाली बर्तन बर्तन जो है वो गंदे हैं, तो वो साफ कर लूँ फटाफट। पांचवी गंदगी मत करियो प्लीज चुकी किचन में, जब मम्मी गई थी ना भाई इसने बहुत ज्यादा गंदगी करी थी, पर अब नहीं कर रही, मेरा साफ दे रही है मेरी चुई, छत पे कर लियो, छत पे मैं साफ कर दूंगा, ओके चुई क्या ठीक है? मैंने अच्छे तरीके से साफ कर दिया है, अब बस दूध और पलट रहा हूँ उसमें, मैंने उबालने के लिए रख दिया है, और सिम्मी को खाना दे दिया है। पांचवी खाना खाया है चुई, गुड चुई, सिम्मी भी अपना सब खाना खाना आ चुकी है, पसीने में बिक चुकी है, तो टी शर्ट चेंज करूंगा और आपको मिलाऊंगा मम्मी से कल। और इसी के साथ इसी ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा है ब्लॉग, और जो मैंने मैच की वीडियो डालनी है भाई पूरी वॉच करना, क्योंकि दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और बहुत सारे लोगों ने हमारी टीम की तारीफ भी करी है, क्योंकि हमारा कप्तान भी बहुत अच्छा था और हमारी टीम जीती भी है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।